राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है अध्यापकों हेतु तो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कार्य जगत से शिक्षा की संबद्धता कार्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा प्रणाली के अविभाज्य अंग हैं। कार्य शिक्षा से संबद्ध वर्तमान नीति जिसमें कार्य शिक्षा को उद्देश्य रूप में रखा गया है को प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है कार्य शिक्षा एक विचारपूर्ण कार्य नीति है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित तथ्यों और सिद्धांतों की समझ बढ़ाती है और कार्य करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है इससे राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी का विचाररत उंगलियों थिंकिंग फिंगर्स की रचना का स्वप्न साकार होगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कार्य स्थितियों के अवलोकन कार्य में भागीदारी उत्पादन और कुछ चीजों के निर्माण में लगाया जा सकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य शिक्षा की निरंतरता से सार्थक कार्य के प्रति आदर की भावना पुष्ट होगी माध्यमिक स्तर पर छात्रों की परिपक्वता को देखते हुए कार्य शिक्षा की गतिविधियां कुछ अधिक विविधता युक्त और जटिल प्रकृति की होंगी इनसे छात्र उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा धारा में प्रवेश के प्रति मानसिक रूप से तैयार होंगे इसके व्यापक विश्लेषण से यह तात्पर्य निकलता है कि कार्य शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक श्रमयुक्त कार्य के रूप में देखा जाए और शिक्षण प्रक्रिया में उसके अविभाज्य अंग के रूप में शामिल किया जाए गत दशकों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए उनसे अनेक अवसरों के द्वार खुले उनमें से कुछ तो भविष्य में ज्ञान और योजना निर्माण की दृष्टि से बहुत निर्णायक हैं व्यवसायिक शिक्षा की सामाजिक और सामुदायिक स्वीकार्यता धीरे-धीरे बढ़ी है यद्यपि इसकी गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सच पूछा जाए तो सफलता उन क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है जहाँ योजना निर्माण और व्यवसायों की पहचान का काम प्रारंभ में व्यावसायिक कुशलता और सुदृढ़ समझ के साथ किया गया था अब सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन स्थानीय स्थितियों और स्थानीय कारीगरों पर ध्यान देना होगा जो इस विषय में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र और कार्य का विस्तार संगठित क्षेत्र की रोजगार संभावनाओं से ऊपर तक ले जाकर विस्तारित करना होगा व्यावसायिक शिक्षा के मॉडल में संपूर्ण जनसंख्या की आकांक्षाओं को परिलक्षित किया जाना चाहिए यही बात शिक्षा के बेहतर कायाकल्प के लिए प्रवृत्त करेगी और मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए ऐसे रास्ते खोलेगी जिन्हें संगठित औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता वस्तुतः बृहत असंगठित स्वरोजगार क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा व्यावसायिक शिक्षा धारा में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य शिक्षा के तत्वों का समावेश जरूरी है कुल मिलाकर देखा जाए तो केवल कार्य शिक्षा से ही विभिन्न गतिविधियों के लिए कुशल जनशक्ति के विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है व्यावसायिक या पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम समूह के हित में कक्षा के हित में विद्यालय और अंततः समुदाय के हित में छात्रों को मिलजुल कर काम करने के ठोस अवसरों को सुसंगठित करने की संभावनाओं को उत्पन्न कर सकेगा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्र विशेष के प्रमुख व्यवसायों के अनुरूप सही ढंग की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाने होंगे कई कौशल कार्य सेवाओं के माध्यम से सिखाए जा सकते हैं जो पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाते हैं और जो विद्यालय को उसके आसपास के वातावरण के नजदीक लाते हैं और छात्रों में विद्यालय और समुदाय के प्रति उनके संकल्पों की चेतना जगाने में मदद करते हैं यह चेतना ही सहकारी गतिविधियों मित्रता सांप्रदायिक सद्भाव और दूसरों के प्रति आदर को बढ़ावा देती है व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को पर्यावरण संबंधी प्रमुख सरोकारों के पोषण तथा उत्तम जीवन स्तर पर सभी के समान अधिकार की चेतना पर केंद्रित होकर स्थायित्व परक विकास पर बल देना होगा पाठ्यक्रम भार को घटाना बहुत लंबे समय से आज तक माता पिता और समुदाय की बड़ी शिकायत रही है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम बहुत भारी है पाठ्यक्रमों का भार केवल भौतिक ही नहीं है बल्कि बोधहीनता का भी है जो कुछ बुनियादी अवधारणाओं के प्रति समझ के अभाव का फल है इससे छात्रों के मन में जबरदस्त तनाव पैदा होता है और इस कारण उनके स्वाभाविक विकास की गति अवरुद्ध होती है कुछ समय पहले ही इस समस्या का आकलन करने के प्रयास हुए थे वे तरीके और साधन खोजने की भी कोशिश की गई थी जिनसे विद्यालयी छात्रों का और खास तौर से छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम बोझ घटाया जा सके अनेक उपाय सुझाने के बावजूद विद्यालयी पाठ्यक्रमों का बोझ अब भी बना हुआ है और अपेक्षाएं भी बहुत अधिक हैं। इस समस्या का पूरी ईमानदारी के साथ हल निकालना अब अनिवार्य है पाठ्यक्रम भार का मुद्दा कई अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़ा है इस मुद्दे का हल केवल पाठ्य पुस्तकों के आकार को घटाकर ही नहीं हो सकता बल्कि इस मुद्दे का हल इसकी संपूर्णता में खोजना होगा आंशिक रूप से इस समस्या को हल करने का एक रास्ता तो ये हो सकता है कि अवधारणाओं की समग्र निरंतरता को प्रभावित किए बिना पुरानी और अनावश्यक विषय वस्तुओं को हटा दिया जाए यह बोझ इस तरह भी कम किया जा सकता है कि एक ओर बच्चों की विकासात्मक क्षमताओं के बीच जो असंगतियां हैं उन्हें हटा दिया जाए और दूसरी ओर पाठ्यचर्यागत अपेक्षाओं और सीखने सिखाने की पद्धति के बीच जो असंतुलन है वह भी समाप्त कर दिया जाए अनेक तथ्यों अवधारणाओं के जटिल अंतर संबंधों रटने की प्रवृत्ति और अनावश्यक गृह कार्य को हटाना पड़ेगा अब विषय वस्तु से हटकर सीखने की प्रक्रिया की ओर जाना होगा शिक्षण की दिशा अब यह होगी कि बच्चे सीखना कैसे सीखें शिक्षकों को तैयार करने के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसकी अपनी भूमिका रहेगी नवाचारात्मक मूल्यांकन प्रणाली को प्रोत्साहित करके भी बोझ कम किया जा सकता है जिसमें योग्यताओं अवबोध प्रयोग और विश्लेषण की जांच की जाती है और उसके बाद उचित समय पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है इस विकराल समस्या का व्यावहारिक और प्रभावी हल खोजने के लिए खंडित प्रणालियों की बजाय एक समग्र प्रणाली अपनाना पहली जरूरत है अभी आप सुन रहे थे विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है अध्यापकों हेतु तो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ज्ञान निर्माता के रूप में बच्चे बच्चे अपने ही सामाजिक दुनिया में बड़े होते हैं इस प्रकार शिक्षा भले ही औपचारिक संस्थागत प्रणाली से दी जाए या अन्य किसी तरीके से उसमें बड़ी तादाद में सामाजिक गतिविधियां शामिल रहेंगी ही इससे ज्ञान के सामाजिक चयन का उनके भीतर संचार होता है ज्ञान मीमांसा मॉडल के विरुद्ध जो कि बच्चों को सामाजिक अनुभव प्रदान करने की कोई जगह नहीं देता रचनावादी आंदोलन ज्ञानार्जन के लिए बच्चों की समुचित भूमिका पर बार बार जोर देता है ज्ञान का समाज के संदर्भ में उद्भव सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य अंग रहा है ज्ञान की प्राप्ति विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर की जाती है इसमें न तो ज्ञान सामग्री की नकल की जाती है न उसे रटकर याद किया जाता है रचनावादी माहौल में छात्रों को स्वयं सीखने की स्वायत्तता होती है साथियों के साथ मिलकर और उनका सहयोग लेकर सीखने के मौके होते हैं छात्र द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं उसी के द्वारा खोजने के लिए अवसर होते हैं वे पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं आत्म अवलोकन और मूल्यांकन के लिए भी उनके पास समय होता है और अपने चिंतन को जाहिर करने के रास्ते होते हैं स्वायत्तता छात्रों को अपने ज्ञान की स्वयं खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है और निर्धारित सूचना का अनुसरण करने के बजाय अनुभवों के स्पर्श से नए परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है यह आयाम शिक्षक को मुख्य रूप से सीखने में योगदान देने वाले प्रेरक के रूप में पहचान देता है क्या किया जाना चाहिए यह बात थोपने की बजाय इस प्रतिरूप में अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है वह छात्रों को संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें यह तय करने के योग्य बनाता है कि कैसे सिखाया जाए और क्यों सीखा जाए रचनावादी शिक्षक सफल शिक्षण के लिए किसी कठोर नुस्खे का अनुसरण नहीं करता वह तो संपूर्ण शिक्षण गतिविधि में नेता बनने के बजाय अर्थ निष्पादन में प्रेरक का काम करता है वह उन विभिन्न संदर्भों का अनुकूलन करता है जो विद्यालय शिक्षण पर प्रभाव डालते हैं और बड़ी गहराई से शिक्षा के उद्देश्य से जुड़ी प्रक्रिया में लीन रहता है संज्ञान संवेग और क्रिया के बीच सामंजस्य शिक्षा को छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य रूप से सुलभ बनाना चाहिए और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में तेजी से घटित हो रहे परिवर्तनों से जूझने के लिए तैयार करना चाहिए इस प्रकार शिक्षा का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक कौशलों जैसे पढ़ना लिखना और गणित से हटकर अंतर्व्यक्ति और आंतरव्यक्तिय विकास की ओर मुड़ गया है प्रशिक्षक यह अनुभव करने लगे हैं कि अकादमिक कमियों के अलावा एक अलग प्रकार की और अधिक चिंताजनक कमी भी है और वह है भावनात्मक निरक्षरता की संवेगात्मक बुद्धि या साक्षरता के तत्वों में भावनात्मक और सामाजिक कौशल शामिल हैं जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास की शिक्षा से संबद्ध हैं इनके निहितार्थ हैं क्रोध आक्रमण पलायन परकता पर अंकुश शराब और ड्रग की लत पर नियंत्रण और यौन शोषण की रोकथाम तथा अंतर्व्यक्ति द्वंद्वों का हल निकालना हम जो कुछ करते हैं जो विचार रखते हैं जो एहसास पैदा करते हैं और समस्त चीजों के बीच जो संबंध तय करते हैं हमारी अपनी बुद्धि हमें उन सब का अर्थ निकालने के योग्य बनाती है वह हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने आप को अन्य लोगों में मिला दें उनका आदर करें उनके साथ स्पष्ट रूप से संवाद करें उन्हें अनुप्राणित और प्रेरित करें और व्यक्तियों के बीच के संबंधों को भी समझें भावनाओं को प्रोत्साहित करने की शिक्षा को कक्षा में शैक्षिक प्रक्रिया के एक आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता देनी चाहिए क्योंकि भावनाएं सूचना प्रदान करती हैं सीधे ध्यान देने योग्य बनाती हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुविधा पैदा करती हैं सच पूछा जाए तो शिक्षक के पास भावनाएं विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की शिक्षा के लिए एक मूल्यवान साधन है भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रम में सफलता के स्तर उसकी आत्म गरिमा और कल्याण तथा कुशलता व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है वे शैक्षिक पतन के प्रभावों की दिशा को उलटने में मदद करती हैं और इस प्रकार विद्यालय को सुदृढ़ बनाती हैं इसलिए पाठ्यक्रम निर्माताओं और विद्यालयों के लिए भावनात्मक बुद्धि का पोषण महत्वपूर्ण सरोकार बन जाता है इस प्रकार पाठ्यचर्या को ऐसे शिक्षण अनुभव प्रदान करने होंगे जो व्यक्ति के विचारों उसकी अनुभूतियों और कार्यों का वर्णन करने में मदद करें बुद्धि की पारंपरिक अवधारणा के विरुद्ध बहुशाखीय बुद्धि प्रत्येक मनुष्य को एक कृति मानती है अद्वितीयता उन विभिन्न तरीकों को प्रभावित करती है जिनके बीच शिक्षण दिया जाता है इस प्रकार यह विचार जो कि बुद्धि को एकल अवधारणा नहीं मानता बल्कि उसे बहुशाखीय गुण मानता है कक्षा में सीख रहे छात्र के संपूर्ण जीवन से जुड़कर शिक्षा के वैयक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है बहुशाखीय बुद्धि विभिन्न प्रकार की बुद्धि को मान्यता देती है जैसे भाषिक बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि स्थानगत बुद्धि शारीरिक ऊर्जा संबंधी बुद्धि संगीतात्मक बुद्धि अंतर्व्यक्ति और आंतरव्यक्तिय बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि शिक्षण संस्थाओं में इन आठ प्रकार की बुद्धियों का विकास करना सही प्रकार के पर्यावरण और अनुभवों के द्वारा संभव होना चाहिए बहुविधि बुद्धि प्रणाली छात्रों को कई ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनसे वे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों और विषयों की खोज करते हैं और उनके बारे में अपने आप सोचते हैं और जो कुछ वे खोजते या पाते हैं उसका अनेक तरीकों से मतलब निकालते हैं बहुविधि बुद्धि का पाठ्यचर्या में उपयोग नाना प्रकार के अनुभव प्रदान करता है जो पाठ्य वस्तु में प्रवेश के बिंदु बनते हैं और छात्रों के पास ऐसे तरीकों से पहुंचते हैं जिन्हें वे समझ सकें। बहुविधि बुद्धि शिक्षा एक रूपरेखा पेश करती है जो पाठ्यचर्या योजनाकारों और शिक्षकों को छात्रों की शक्ति के तरह तरह के स्तरों को जांचने में मदद करती है और उनकी बुद्धि को उत्कर्ष तक ले जाती है चूंकि यह विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रदान करती है इसलिए अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में छात्रों को सफलता के अवसर भी देती है अभी आप सुन रहे थे विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया